नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के महाविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के समर्थन में छात्राओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर भारतीय संविधान का समर्थन किया है। वही छात्र नेता हिमांशु तिवारी एवं अन्य छात्रों ने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। नागरिकता कानून 1955 में मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हो, या फिर वैध दस्तावेज के साथ जो भारत में आए हैं। वही महाविद्यालयों में हस्ताक्षर अभियान के दौरान जिला संयोजक हिमांशु तिवारी, नगर मंत्री राहुल खरे, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दीपू दुबे, उपाध्यक्ष सुरेश सी राजपूत, श्रम मंत्री उत्कर्ष माथुर, नरेश प्रजापति, कविता बर्मन, प्रीतम साहू, सुबह करण एवं सभी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। पेशी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। सीए के समर्थन में पांच महाविद्यालयों में इसका समर्थन किया गया है। हमारे सभी महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं सभी जन हैं एवं अच्छे से इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमें सभी छात्र इसमें सहयोग किए, और यह अभियान पूरे भारत में और हर महाविद्यालय में चलाया जा रहा है, और अखिल भारतीय इसके कार्यक्रम में आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं। चलाया जा रहा है सीए हस्ताक्षर अभियान, जिसमें से आज उमरिया जिले की इस चंदिया इकाई में, चंदिया महाविद्यालय में आज यह कार्यक्रम नियोजित किया गया, जिसमें से सभी छात्रों ने अपना समर्थन दिया। सीए के इस समर्थन में सभी ने अपना हस्ताक्षर किया, और यह भी बताया गया कि सीए है क्या। सीए का मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत बाहर से प्रताड़ित हुए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इन सबको भारत में नागरिकता दी जाएगी। वहाँ कौन से प्रांत से डिसाइड हुआ है कि अपन को हर महाविद्यालय में, चाहे वो जिले हो चाहे संभाग में, कहाँ भी अपने एवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा, मतलब सभी महाविद्यालयों में, जैसे अपनी पांच इकाइयाँ हैं, पांच महाविद्यालय हैं, मानपुर, चंदिया, करकेली और नरोजाबाद और चंदिया और पाली, इस सभी महाविद्यालयों में हमारे एवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें सभी छात्राओं से ये मतलब किया जाएगा जो उसको समर्थन करते हैं वो एक बैनर पर साइन आकर अपना कर दें और उसका समर्थन करें, जो अपना भारतीय संविधान है संविधान का समर्थन करें और इसका सीए का समर्थन करें। ये हस्ताक्षर अभियान सीए के विषय में चल रहा है महाविद्यालय उमरिया में, जिसमें हम लोगों ने सीए के विषय में सभी छात्रों को जानकारी दी, ये बिल क्या है और ये किसी की नागरिकता लेने का नहीं देने का है, और इसके बारे में सभी छात्रों ने हमसे जानकारी ली और पूरी तरह से संतुष्ट है कि हाँ, ये बिल सही है, सबके लिए सही रहेगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सिग्नेचर कैंप चलाया गया, और जिसमें अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे और सिग्नेचर किए, और उनके बारे में बताया भी गया कि सीए क्या है। सीए का समर्थन सभी ने किया। कार्यक्रम उमरिया जिले के सभी महाविद्यालयों में आयोजित किया गया।